बिजली की समस्या से जूझ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे? बिजली के लिए किसान लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे शिकायत वगैरह भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले एमपीबी बिजली विभाग से जो निर्माण कार्य हुए हैं वो भी घटिया निर्माण कार्य मटेरियल लगे हैं, जो ट्रांसफार्म हो या बिजली के जितने भी एल्यूमिनियम के जो तार से लेकर केबल वायर, ये जब लोडिंग पे किसान यदि मोटर चलाते हैं तो ये फॉल्ट हो जाती है, जल जाती है। ओरिजिनल यदि सामान रहता एमपीबी के माध्यम से तो ये फॉल्ट नहीं होती इतना। और उसमें भी बीजेपी के जो नेता से लेकर सरकार के जो अधिकारी बड़े, ये भी बोलते हैं कि जिस ग्राम क्षेत्रीय ग्राम में जो ट्रांसफार्म की कमियां और अधिक वोल्टेज ना मिलने के कारण उनने कुछ ट्रांसफार्म इंटरियल क्षेत्र से निकाल के भी ले आए, उनने वो बोल भी रहे हैं, अधिकारी बोले ये तो पिछले सरकार ने उधार करके लाया था तो ये वापस करना है, इस तरीके से भी बोलते हैं ये लोग। ये कहाँ तक सच और कहीं झूठ? आप एक किसान नेता हैं, किसानों की क्या क्या समस्या है इस समय वर्तमान में? देखिए, हमारा देश का जो किसान है वो पालनहार है, अन्नदाता है, और इस पृथ्वी पर मानव के साथ साथ जीव जंतु पशु पक्षी सभी को किसान पालता है। बाकी उस किसान के साथ जो पालनहार है उसके साथ मोदी सरकार अन्याय कर रही है, काला कानून लाकर किसानों को परेशान कर रही है। मोदी जी बोलते हैं कि किसान को दुगनी आय करेंगे, अरे किसान की 90 रुपये और 100 रुपया लीटर का डीजल पेट्रोल, इसमें कहाँ से दुगनी आय हो जाएगी? पहले तो आप दाम घटाइए, डीएपी यूरिया के दाम घटाइए, और किसानों की जो वाजिब समस्या उसको सुनिए और अपना कानून वापस लीजिए। आज का जो हमारा ज्ञापन और ब्लॉक कांग्रेस के तरफ से एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, और मतलब ये जो एक दिवसीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का हमने यहाँ किसानों के सम्मान में जो ये काला कानून केंद्र ने किसानों के खिलाफ लाया है, किसानों के विरुद्ध जो ये जो आया है उसका जो किसान लोग देश भर में विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमको भी निर्देशित किया था कि आप भी किसानों के सम्मान में एक दिवसीय किसानों को साथ में लेके उपवास का कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय पर रखें और ज्ञापन भी एसडीएम को दें। इस बात को लेके आज यहाँ पर हमारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन और उपवास का कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय पर रखा गया था। देखो, भारत के किसान अभी वो लोग भले कुछ भी बोलते रहे परंतु दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किलोमीटर तक के किसान जमीन पर बैठा है और लगातार 2 महीने से बैठा है, और केंद्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, और किसानों के सम्मान की भी उनको चिंता नहीं है। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में किसान लोग वहाँ पे जमीन पे बैठ के अपना घर बार अपनी खेती छोड़ के दिल्ली में बैठे हैं, तो ये बड़ी दुखद पहलू है। किसान जो वहाँ एक किसान संघ भी जो भारत का है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो अपना निर्णय ले रहे हैं। जो निर्णय दिल्ली में जो किसान संघ बैठा है और जो किसानों की समिति बनी है, जो भी निर्णय वो किसान संघ लेगा उसमें हमारा शाहपुर ब्लॉक का किसान कांग्रेस और पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी के हमारे जो समर्थक हैं वो उन किसानों के साथ में जो दिल्ली में आंदोलनरत हैं उनके साथ। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और विपक्ष इससे अपनी राजनीतिक रोटी देख रहा है, ये कहां तक उचित है? बिल्कुल गलत है ये। अभी तक ये पूरी तरीके से किसान आधारित था, और हमने भी ये कहा था कि किसानों की आवाज है उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए, परंतु 2 माह से किसान रोड के ऊपर बैठा है और पानी की बौछार लाठियों की मार उन किसानों पे पड़ रही है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इन बात को मद्देनजर रखते हुए हमने भी मध्य प्रदेश में हमारे जो नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी ने, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा देश का नेतृत्व
उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना किसानों के सम्मान में उठ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। क्षेत्र का किसान इस समय बिजली की समस्या से जूझ रहा है, इसके लिए आप और आपकी पार्टी क्या करेगी? 8 दिन में, अभी 8 दिन पहले ही इन्होंने किसानों की जो बिजली का बिल था उसमें बढ़ोतरी की है। अभी आज 92 रुपये पेट्रोल के दाम हो गए हैं, डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है, रसोई गैस का भी रेट इसी माह उनने बढ़ाया है। और आज हमारे आंदोलन में ये मुख्य मुद्दा भी था, हमारे ज्ञापन में भी हमने SDM साहब को लिख के दिया है कि यदि प्रदेश सरकार ये जो मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल रसोई गैस और बिजली ये जो इनने बढ़ोतरी की है इसको अगर इनने वापस ले लिया तो किसान का आंदोलन उग्र होगा और इसके लिए